Nishikan Dumbe all set to address uh, the media. we Will go to it as soon as he starts speaking. But Nishit, uh, but uh, you know, Tauseef. Now tomorrow, it's if you extend this logic of filthy questions and you know unethical questions, if uh, the panel asks Mauwa, why did you share your login and password? She would say this is a personal question. Why did you Wait. not inform the parliament uh, before uh, going abroad? She will say this is personal. Where do you, where does this end? And, uh, no, one, uh, ten no, no. If, if start, the questions start, start, are, if the questions are pertinent, if it, if the questions are relevant to the charge. The charge here is quid pro quo. Cash was taken for asking the questions. Now, if if the if any questions, uh, uh, ethics committee chairman is well within his right to ask any questions as long as they are relevant to the charge in front before in front of. Okay, care. let's listen to Nishikant Dubey now. दिनों से प्रेस के लोग मैंने जो कंप्लेन किया जय अनंत देहादराय के कंप्लें के बाद कमिटी ऑफ एथिक्स में जो मेरा कंप्लेन गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है और आप पत्रकार बंधु भी उसके बारे में मुझसे समय समय पर इसकी जानकारी पूछते रहे हैं चाहते रहे दो कारणों से मैंने अभी तक प्रेस को नहीं संबोधित किया एक तो कारण ये है कि पंद्रह साल का मेरा संसदीय जीवन का अनुभव है और वो ये सिखाता है कि किसी कमिटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमिटी ने क्या क्या बातें की दूसरा दिल्ली कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ लेकिन यह जमाना एक ऐसा जमाना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है तो बहती रही लेकिन आज जब सभी चीज़ों की इंतहा हो गई इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहाद्राई से किस तरह के प्रश्न पूछे गए उन्होंने किसका जवाब दिया किसका जवाब नहीं दिया और जिसको जिस एक्यूज को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहाद्राई गए लेकिन एक्यूज के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुले आम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ अब सही है या गलत है लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और आज जो कुछ भी हुआ यह संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है यह मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थित दल डेमोक्रेसी में कैसा विश्वास करते हैं यदि आपको ध्यान हो तो 2G में जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में रिपोर्ट एडॉप्ट करना चाहती थी तो यही कांग्रेस के सारे सांसद टेबल को तोड़ दिए नाचने लगे फाड़ दिया कमेटी के अंदर और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग आदमी का सम्मानित आदमी का एक मझे हुए पॉलिटिशियन का जो है कांग्रेस ने अपमान किया टू जी की रिपोर्ट उन्होंने पीएससी की नहीं आने दिया आज ठीक आज जो कुछ भी हुआ उसी तरह से चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमिटी का चेयरमैन कैसे हो गया विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं और वो एथिक्स कमिटी के चेयरमैन कैसे हो गए ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई इसमें क्या है रीजन जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूं और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं सवाल क्या था मेरा पत्र क्या है देहादराय का पत्र क्या है और सवाल एथिक्स कमिटी के सामने क्या है सबसे पहला सवाल यह है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं यह घर मेरा नहीं है इस घर में मैं किराया देता हूं इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है हाउसिंग कमेटी लेती है लोकसभा लेती है और जो स्टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं यह भी किराए का ही जिस दिन मैं यहां सांसद नहीं रहूंगा या जिस दिन यह मकान का अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा उस दिन यह जितने मकान है जितने आपको चीजें लगी हुई हैं यह सब भारत सरकार का है उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी पोर्टल इंटरनेट इंटरनेट ये सब जो है वो संसद का है उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन एनआईसी करता है वो संपत्ति उनकी है वो मालिक वो है दो हजार चौदह से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है एनआईसी की यह पॉलिसी है भारत सरकार की यह पॉलिसी है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हां हमने दिया फिर वो कह रही है कि ये कौन सी पॉलिसी है तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है जो ईमेल की पॉलिसी है जो पासवर्ड की पॉलिसी है तो एथिक्स के सामने ये बड़ा सवाल था दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमिटी ऑफ एथिक्स ने भी एनआईसी से लॉग के बारे में पूछने का प्रयास किया तो जो मेरी जानकारी है जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है पार्लियामेंट इसका मालिक है पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे एथिक्स कमिटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई लोकसभा अध्यक्ष के पास गई और उसके बाद जो है एन ने वो पूरा का पूरा डाटा कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया जो अखबार में छपा है ये मेरी बात नहीं कहिएगा कि मैं कमेटी के बारे में कोई जानकारी है मुझे अब आप समझिए वो ये कह रहा है जो जय अनंत देहाद्राय ने आरोप लगाए उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हिरानंदानी को मदद करते थे और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको कि तत्कालीन अब तो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी इस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की अध्यक्ष बनी उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया और वो कमेटी इलेक्शन जो है वो लोकसभा करती है उसमें नाम गिने जाते हैं कि इसके ये मेंबर है इसके ये मेंबर है और मोर और लेस समझिए कि वो सिलेक्शन नहीं है वो इलेक्शन है जिस सौगत राय का इलेक्शन हुआ दो घंटे के अंदर और जहां कि पूरा का पूरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है दर्शन हीरानंद चलाता है नोएडा में जिसके लिए कि राजीव चंद्रशेखर ने आपको ध्यान हो कि ट्वीट भी किया कि मंत्री हो जब मैं था तो ये उस डाटा प्रोटेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए पॉलिसी चेंज करने के लिए दर्शन हिरानंदी मेरे पास मिलने के लिए आया उसने दबाव बनाया इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को दो घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी उससे इस्तीफा देना पड़ा इससे बड़ा उदाहरण जो है और क्या हो सकता है क्या आपका रीजन है कि सौगत राय इतने सीनियर हैं, उसको हटा के जो है आप मेंबर बनिए इसका मतलब यह है कि दर्शन हिरानंदानी को आप मदद करना चाहते थे उसी तरह से उसने कहा कि इकसठ में से हम सांसद हैं हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ रेल आया कि नहीं रोड आया कि नहीं हमारे यहाँ हॉस्पिटल आएगा कि नहीं हमारे यहाँ स्कूल आएगा कि नहीं हमारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं मैक्सिमम जो यदि मैंने सवाल 400-500 पूछे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें 99 परसेंट सवाल जो है मेरे कॉन्स्टिट्युएसी के होंगे या मेरे राज्य के होंगे सभी सांसद यही पूछते हैं एक तो एकसठ क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरा के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया अब अं जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है टेलीविजन में देखा है कि सैतालीस बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरा और आपने कहा कि दर्शन हीरा ने नहीं किया पीए ने किया आप, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया किससे आपने ड्राफ्ट कराया फोन नंबर क्या है कॉल डिटेल क्या है यह आप पूछने का अधिकार नहीं है यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा और सैतालीस बार आपने यदि पूछा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है मेरा एक सीधा प्रश्न है कि जेपी मॉर्गन में आप कहती हैं कि आप बैंकर जेपी मॉर्गन में आप एम्प्लाई थी आज जेपी मॉर्गन की आप एम्प्लाई नहीं है तो क्या उसका पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास है यदि जेपी मॉर्गन का पासवर्ड और ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है इसका मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप छोड़ने लगते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करने के लिए जब तक उसके मालिक से परमिशन नहीं लेते हैं तब तक आपको नहीं करना था यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि एनआईसी ही एक ऐसा संस्था है जिस पर कि केवल हम सांसदों का ही मेल आई और इंटरनेट नहीं है पूरी की पूरी भारत सरकार चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो चाहे गृह मंत्रालय हो चाहे आर हो चाहे आई हो चाहे पी हो चाहे भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय हो वो सारे चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो सब एनआईसी के ही नेट पर हैं और यदि एनआईसी का नेट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आया कि नहीं आया दर्शन हीरा नंदानी को यदि आपने खुलेआम कहा या उनके पीए को दे दिया तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा यह सवाल यदि पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं दूसरा सवाल यह था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया एयरमिस का स्कार्फ दिया और चार बार या पांच बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा आपसे किसी ने पूछा नहीं आप महिला हैं महिला होने के नाते हम आपका सम्मान करते हैं और महिलाओं के बारे में हमेशा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव बातें करनी चाहिए लेकिन इसी पार्लियामेंट इसी पार्लियामेंट में दस हजार रुपया लेने के लिए भी सांसद निष्कासित हो चुके बॉबी ब्राउन यदि आपने आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट आपने उससे मंगवाया और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीजों के कारण नहीं है आज मैं यदि सांसद हूं तो यह घर मेरा है यदि कमेटी का मैं मेंबर हूं तो वहां लोगों को डिपोजिशन के समय मैं अधिकारियों से मिलता हूं प्राइवेट लोगों, लोगों से मिलता में, जिसको कि ने कहा कि उसके सामने कहा गया उसने एक साफ कहा है कि महुआ मेत्रा से उनकी पहली मुलाकात दो हजार में दो हजार में जब ये विधायक थी पब्लिक सर्वेंट थी और जब बिजनेस समिट हो रहा था कलकत्ता में तब चूंकि बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने कुछ विधायकों को लगाया था कुछ अधिकारियों को लगाया था उसी वक्त आपकी दोस्ती हुई तो आपकी दोस्ती एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो उसके आधार पर हुआ और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है बेस प्राइस यदि है तो चार हजार है यदि चार, चार बार आपने मंगा लिया तो सोलह हजार रुपया तो आपने ले ही लिया और पांच हजार से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है तो आपने रिपोर्ट किया या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमिटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का हरण हो गया तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हिरानंदानी ने अपने हलफनामा में जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाव के इंटरव्यू में कहा कि उसने तीन जगह इस पेपर को भेजा है एक कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है एक सीबीआई को दिया है और एक निशिकांत दुबे को दिया है तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है जो उसने कहा है उसने है बड़ी अच्छी बात कही उसने कहा कि मैंने इसके ट्रेवल एक्सपेंस दिए मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए उन्होंने खुद कहा है मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रेवल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेवल हो चाहे बरलूती का सवाल हो चाहे गुच्ची का सवाल हो चाहे एलवी का सवाल हो सब दिया है तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं यदि ढाई लाख तीन लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं, तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया तो कमिटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी बरलूती का बैग कहां है का कहां बैग है यह तो कमिटी पूछेगी दूसरा सवाल यह है कि दो में सांसद बनने के बाद से लेकर आज तक आपने चौदह बार विदेश की यात्रा की ये आप ये समझिए कि वाइज है आप यूएस गई हैं आप यूके गई हैं आप यूएई गई हैं आप फ्रांस गई हैं। तो जब इतनी बार आप गई हैं तो इनकम टैक्स आप कितना पे करती हैं ये निश्चित तौर पर कमिटी पूछेगी दूसरा जब दर्शन हीरा ये कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रैवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं उसने होटल बिल भी दिया हुआ है एक ट्रेवल का बिल भी दिया हुआ है कमेटी ऑफ इथिक्स को तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर यह दौरा किया किस आधार पर इसका टिकट कटाया किस आधार पर आप होटल में रही कौन आपको गाड़ी भेजता था वहां जो आप एक्सपेंस करते थे आपने यहाँ से नियम है कि साल में हम लोग जो है आठ हजार से ज्यादा डॉलर नहीं खर्चा कर सकते और यदि आप विदेश जाते हैं तो उसी आठ हजार में आपको तीन बार चार बार जितना जाना है एक इंडिविजुअल आदमी वही जा सकता है तो डॉलर खरीदने के लिए आपने अपना पैसा उपयोग किया होगा ना कि नहीं किया होगा तो डॉलर उपयोग करेंगे तो वो भी आपके पासपोर्ट में लिखता है कि इतना डॉलर हमने लिया कि जिस ट्रेवल कंपनी से आप गई होंगी तो वो मांगा जाएगा इस तरह से ये तीन चार ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कि पूछे गए सैंतालीस बार आप और जितने क्वेश्चन पूछे गए सैंतालीस बार क्योंकि कि किस तारीख को वो मेल आई डी इन हुआ किस तारीख को कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो सैतालीस के सैतालीस क्वेश्चन ऐसे थे जो दर्शन हिरानंदानी को ही फायदा पहुंचा रहे थे और जिसके आधार पर एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण मजबूत सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी को उसके आधार पर जो है आप नाटक के तौर पर, पर पार्लियामेंट में बोलते रहे और उनको अटैक करते रहे जिससे कि आपको माइलेज मिलता रहे सोशल मीडिया आपको माइलेज देती रहे आज वो फायर ब्रांड जो आदमी है वो चूहा जो हमारे यहाँ होता है चूहा बनकर अपोजिशन के सारे सांसदों के साथ निकली है और जो कुछ भी एविडेंस हमने दिए हैं देहाद राय ने दिए हैं दर्शन हीरा ने दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है दुनिया की कोई ताकत महुआ मैत्रा को नहीं बचा सकती और सांसद होने के नाते हमारा शर्म आज सर जो है झुका हुआ है हम दुखी हैं और दुखी यह है कि हम इस संसद के सदस्य हैं जहां कि पैसे लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम उस संसद के सदस्य हैं जहां कि इस तरह के भ्रष्ट और करप्ट आदमी को करप्ट सांसद को जो है अपोजिशन मदद करने की कोशिश कर रहा है हम राहुल गांधी जिसे इसीलिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके सांसद उत्तम कुमार रेड्डी जिनका तेलंगाना में चुनाव है आपको इतना बड़ा समझ में आ रहा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते हो कि बीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं आप उस सांसद को एक भ्रष्टाचार जिसको कि तृणमूल कांग्रेस तक मदद नहीं कर रही है उस भ्रष्टाचारी सांसद को जिसने की पूरे संसदीय इतिहास में सारे सांसदों का सर शर्म से झुका दिया उसके मदद के लिए आप खड़े हुए हो मदद करने से कुछ नहीं होता यह ये पार्लियामेंट नियम कानून कायदे से चलता है और एक समय ऐसा आएगा कि इथिक्स कमेटी एक अच्छा निर्णय लेगी और ऐसा निर्णय लेगी जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी सांसद इस तरह संसदीय कार्य में किसी भी बिजनेसमैन का जो है उपयोग नहीं कर पाएगी